गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हियर वी आर। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट कम्युनिकेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द टाइप्स। वी डिस्कस्ड ऑलरेडी अबाउट इट। इन टुडेस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट ई कॉमर्स मीनिंग एंड द फील्ड्स ऑफ इट। ठीक है, तो ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंटली, ज्यादा डीपली अगर मैं आपको समझाने जाऊं तो आप ऑलरेडी इसका यूज भी करते हैं, आप उससे वाकिफ भी हैं। व्हाट इज ई कॉमर्स? यू ऑलरेडी नो दैट, यूज इट एंड इट्स ऑल अराउंड योर अस। अगर हम इंटरनेट का यूज करते हैं तो ई कॉमर्स के बारे में जान लें। बस आपको थ्योरी नहीं समझना है। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसमें क्या होता है कि कुछ वायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, इसमें प्रोडक्ट सर्विस की हम सेलिंग और परचेसिंग होती है इंटरनेट के मदद से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की मदद से। जितना भी सारा काम होता है परचेस से लेके सेलिंग का, लेके जो हम अपने सीधे मार्केट में जाके परचेस करते हैं, सेलिंग करते हैं, वो सब काम करते हैं ई कॉमर्स में करते हैं। कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, जिनकी मदद से हमारा सेलिंग का, परचेसिंग का, प्रोडक्ट लेने का, उसका यूज़ करने का, जितना भी हमारा टाइम है पेमेंट के लिए मैथड है, सारे एकदम इजी वे में हो गए। तो वो है ई कॉमर्स। हम आज के जनरेशन में, आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करें अपना टाइम बचाने के लिए, अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट लेने के लिए। सो ई कॉमर्स बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए, और इसका यूज़ और इसका इसकी इसको जिस तरह से हम यूज़ करते हैं, जिस तरह अपना टाइम कंज्यूमिंग हमारा बच जाता है, तो वो ई कॉमर्स है। ठीक है, ई कॉमर्स सिंपली अगर वे में आपको मैं कहूँ, ई कॉमर्स इज द प्लेटफॉर्म वेयर वी सेल और परचेज द थिंग्स एंड आइटम और प्रोडक्ट बाय बिकमिंग ऑन परचेसर विथ परचेसर कस्टमर और बिजनेसमैन। हम खुद ही प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, अभी उसको खरीद सकते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में देता है, वो किस तरह से देता है, किस तरह से हम ई कॉमर्स हम आ सकते हैं, हम उसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, मीनिंग आप समझ गए। मीनिंग को मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है, और कुछ आप में से कितनों ने तो इसको यूज़ भी किया होगा। ओके, तो बेसिकली जो ई कॉमर्स आप नहीं जानते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फील्ड्स या फिर टाइप्स, दोनों आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स के चार टाइप है, B2C, B2B, C2C, C2B। ये प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर टाइप्स हैं जहाँ ई कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अलग अलग टाइप्स में बटे हुए होते हैं। ठीक है, एक एक करके आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। फर्स्ट इज B2C, बिजनेस टू कस्टमर। सिंपली देयर इज ओनली वन ओनर सप्लायर एंड वन कस्टमर आर देयर। वन पर्सन सेल द प्रोडक्ट एंड अदर पर्सन परचेज द प्रोडक्ट। देयर इज नो मीडियम इन बिटवीन देम, इट्स नॉट B2C। एक ही परचेस करने वाला होगा और एक ही सेलर होगा, बीच में प्रोडक्ट का एक्सचेंज होगा, पेमेंट ही वहीं पे ऑनलाइन जो भी मेथड्स होंगे उसका यूज करके कर देंगे। ठीक है, जैसे B2C है, B2C का बेस्ट एग्जांपल कहें तो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। इसमें ऐसा ही होता है कि एक कोई बिजनेस, कोई सप्लायर होता है जो प्रोडक्ट रखता है और एक कस्टमर उसको खरीदता है और उसको हम परचेस करते हैं और सेल भी करते हैं। ठीक है, तो B2C का एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें हमारा टाइम भी हमारा बहुत अच्छी तरह से बच जाता है, बेस्ट में बेस्ट प्रोडक्ट हमें मिल जाती है। ये तो B2C का एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। अब क्या होता है कि व्हाट देयर इज अ मीडियम बिटवीन बायर एंड सेलर। मीडियम होता है इसमें, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, पैकिंग, डिलीवरी, मीडियम्स होते हैं बीच में, जो पूरा ई कॉमर्स को कंप्लीट करने में दे हेल्प टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाय द हेल्पिंग B2B मीडियम। इसमें जो इसका एग्जांपल के लिए आपको समझा, जैसे फेडएक्स के बारे में सुना हो, जो डिलीवरी करता है, सबसे स्पीड अप करता है। ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट हमें चाहिए, हम ऑनलाइन डिलीवर करते हो, फेडएक्स की मदद से मंगाए, तो हमें जल्दी फेडएक्स वो है। ठीक है, तो ये जो B2B होते हैं, क्या करते हैं, मीडियम होते हैं बीच में, ई कॉमर्स के बीच में जो मीडियम्स होते हैं उसको और इजी वे में और टाइम बचे, उस तरह से कस्टमर को जल्द से जल्द मिल जाए,
उसका काम करते हैं P2। इसका एग्जाम पहले एग्जाम पे रखना तो आपको और अच्छी तरह से याद रखना। ओके नेक्स्ट है C2C, कस्टमर टू कस्टमर, जहाँ कस्टमर ही सेल करता है, कस्टमर ही बाय करता है। सबकी एज पर देयर नीड्स, एज पर दे व्हाट दे वांट, दे गो टू द वेबसाइट, सर्च द प्रोडक्ट एंड गेट द प्रोडक्ट बाय C2C। इसमें इसका एग्जांपल मैं कहूँ तो OLX है, क्यूकर है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है और वी वांट टू सेल इट, वी पुट ऑन द वेबसाइट, वी गिव द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। If other person, anyone wants, anyone has the need of that product, they contact us and we sell the product. As well as if we want anything, we need anything, we go to the website, search the product and check the details. If the details and the product as per our needs, we buy the product and contact the owner, buyer and we get the product. It's the C2C. इसमें customer ही खुद बेचता है, customer ही खुद खरीदता है, कोई medium नहीं होता, कुछ नहीं होता इसमें। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने कहा आपको OLX, ठीक है। तो इसका FedEx याद रखना और ये Amazon Flipkart, ठीक है। एंड लास्ट C2B, C2B में क्या होता है, देयर इज लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट, लॉट्स ऑफ वैरायटी, लॉट्स ऑफ लो प्राइस प्रोडक्ट आर अवेलेबल देयर। व्हाई? बिकॉज़ इट्स क्योंकि इस पर बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स क्या होती है कि बहुत सारे प्रोडक्ट क्वालिटी, तो आप अगर प्रोडक्ट आप सेलिंग को परचेस करते हो तो क्वालिटी की तो गारंटी नहीं दे सकते वो लोग, लेकिन प्रोडक्ट आपको अपने हिसाब से आपको मिल जाएंगे। इसमें ऐसे बहुत सारे वेबसाइट होते हैं जो अपने बहुत सारे लोगों से वेबसाइट बनाते हैं, इसमें कई सारे प्रोडक्ट चीपेस्ट से चीपेस्ट हर तरह की वेराइटी आपको मिल जाती है। ऐसे एग्जाम्पल आपको कौन आपको थोड़ा अजीब लगेगा, चोर बाजार होता है जहाँ पर सब कुछ मिल जाता है हमको, उस तरह की वेबसाइट होती है C2B। बहुत सारी वैरायटी मिलती है, टाइम और जल्दी बच जाता है, कोई जरूरत होती है हमें स्पीडअप चाहिए होता है तो C2B का काम करता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी जैसे जो आपको मैंने यहाँ पे बताया, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, अच्छी अच्छी ऐप्स हैं, उनके जो बाकी रह जाती है वेबसाइट वो यहाँ पर रह सकते हैं, समझ गए। ई कॉमर्स क्या है, सेलिंग और परचेसिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मीडियम है, जैसे पेमेंट भी कला था कि ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, डिलीवरी, टाइम कंज्यूमिंग, इजी वे में हमारा सब कुछ एकदम इजी फास्ट वे में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। ओके फोर ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड देयर आर फोर फील्ड, B2C, B2B, C2C एंड C2B। ओके वेरी इजी है, कॉमन है, आपको पहले से आप जानते हो, बस ये फिर से आपको नया होगा। ई कॉमर्स क्या होता है ऑलरेडी नोन, आप ऑलरेडी जानते होंगे। सो बस मिक्स और आपको यू रिमेंबर दैट ऑल थिंग्स B2C, C2B एंड C2C, C2B, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, व्हाट इज इट यू लर्निंग एंड रिमेंबर दैट वर्ड्स एंड दैट मॉड्यूल। ओके इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट how we create a website or how we use e-commerce platform, अगर हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, स्टे योर होम, थैंक यू।